नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एग्जाम टॉप के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2022। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 2021 में तो इसका नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया, तो अब इसको हम कहेंगे 2022, क्योंकि लेखपाल नहीं अभी लेटपाल की भर्ती है। किसकी? लेटपाल की भर्ती है। तो इसके लिए आज हम बुक लिस्ट को लेकर आए हैं कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे जो ऑथेंटिक बुक हैं आप उनका अध्ययन कीजिए और आप उनके अध्ययन के माध्यम से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। देखिए, कम सोच के साथ अगर आप तैयारी करोगे तो बहुत जल्द मंजिल को आप प्राप्त कर लोगे, और ज़्यादा सोच के साथ आप तैयारी करोगे तो उसमें भटक जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम बहुत कम सोच को लेकर आए हैं। अगर आप केवल इन बुकों का अध्ययन करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर देंगे। ये बुक लिस्ट उन लोगों के द्वारा बताई गई जो ऑलरेडी पहले से लेखपाल बन चुके हैं, 2015 की भर्ती में बने थे, और वो कई ऐसे व्यक्ति हैं जो लेखपाल का इंटरव्यू देकर उन्होंने जॉब को ज्वाइन नहीं किया है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ दिया गया कि जो UPSSC के माध्यम से लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 में भी होने के आसार दिख रहे हैं। ठीक है, तो उसके संभावित जो पद हैं वो कितने? 7800 अर्थात 7800 ये पद हैं। ठीक है, अगर बात करें बेस्ट बुक लिस्ट की, जहाँ दोस्तों ये बहुत बेस्ट बुक लिस्ट है, अगर आप इनको पढ़ते हैं तो आसानी से आप इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं उस बुक लिस्ट की तरफ। देखिए, यहाँ पर दिया गया है, कुछ बुकें दी गई हैं। ठीक है, आप उनका अध्ययन करेंगे तो आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर लेंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित होंगी। देखिए, अगर सबसे पहले इसका सिलेबस देखा जाए तो हिंदी आपका पूछा जाएगा 25 नंबर का। ठीक है, अब हिंदी के लिए आपको कौन कौन सी बुकें पढ़नी है? केवल दो बुकें, दोनों बुक काफ़ी हैं आपके 25 में 25 दिलाने के लिए। नंबर एक आपकी रहेगी लूसेंट। ये लूसेंट वो बुक है जो आपका बेस मजबूत करेगी। ठीक है, चीज़ों को समझने में आपको कारगर साबित होगी। ठीक है, ये आपको लूसेंट है, लूसेंट को आप हल्के में न लें, बहुत अच्छी बुक है। बेस के लिए आपकी लूसेंट सबसे बेटर बुक है। ठीक है, उसके बाद आप आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक आती है सफ़ेद रेफर में, ये रिविजन के तौर पर सबसे बेस्ट बुक है। किसके लिए? ये रिविजन के लिए आप लें, इसको इससे सीखें, इसका रिविजन करें, हिंदी के 25 में 25 प्रश्न आपके आसानी से कवर हो जाएंगे। ठीक है, ये आप चीज़ ध्यान रखें। दूसरा जो हमारा टॉपिक है जहाँ से आपके 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो टॉपिक हमारा रहेगा यहाँ पर गणित वाला। ठीक है, किसका? गणित वाला। अब गणित के लिए देखिए, आपको सबसे जो बेटर मैथ है जो न्यू एडिशन में आया वो आपका RS अग्रवाल का। ठीक है, आप इस मैथ को ले लीजिए। अगर आपके पास पहले से कोई भी मैथ है, FD यादव, राकेश यादव, किरण, सगीर अहमद, मारूफ शर या अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का मैथ है, तो फिर आप कोई दिक्कत नहीं, आप इस मैथ को ना लें। अगर आपके पास कोई भी मैथ नहीं है तो फिर आप नंबर एक पर मैं आपको बताऊंगा कि आप RS अग्रवाल को लें। अगर आपको ये भी नहीं पसंद आता तो नंबर दो आप ST याद बुक लें, जो आपके लेखपाल परीक्षा के लिए बहुत सफिशियंट रहेगा। इन दोनों मैथों में से आप एक भी कोई भी गणित खरीद सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी के लिए आप इन दोनों बुकों को ले लें, गणित के लिए आप इनमें से किसी एक बुक को ले लीजिए। नंबर एक पर RS अग्रवाल, नंबर दो पर ST यादव को रखा जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास पहले से कोई है तो कोई दिक्कत नहीं, इनको ना परचेज करें। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो आपका सामान्य ज्ञान वाला। जी हाँ दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट है यानी तीसरा जो विषय जिससे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 100 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे 100 अंक के लिए, 120 मिनट दिया गया यहाँ पर प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो इस 25 अंक के लिए आपको देखिए क्या क्या पढ़ें। सबसे दिक्कत इस चीज़ की रहेगी, एक तो लूसेंट जो आती है आपकी 120 रुपये वाली नीले रेफर वाली, न्यू एडिशन की ले लें, पुरानी एडिशन की तब भी आप ले लें क्योंकि ज़्यादा महंगी नहीं है। तो एक तो आप इस बुक को लीजिए, इसके साथ साथ इससे क्या होगा, आपकी बेसिक जो चीज़ें वो आपकी कवर यहाँ से हो जाएंगी और चीज़ों को समझने की जो क्रिया है वो आपके लूसेंट से कवर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है वो आपकी यूथ पब्लिकेशन की। देखिए, मैं क्यों यहाँ पर प्रचार नहीं कर रहा किसी बुक का, मैं केवल आपको बता रहा हूँ यूथ पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन नाम से एक बुक आती है, काफ़ी मोटी बुक आती है, बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। जितने भी प्रश्न आपके UPSSC में पूछे जाते हैं वो सभी आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। उसमें RO के, लोअर PCS के, यहाँ तक PCS के भी प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आप इस बुक को ले लीजिए, यूथ सामान्य अध्ययन नाम से मार्केट में आती है, थोड़ी कॉस्टली पड़ सकती है, 350-350 रुपये के, पर बुक बहुत ज़बरदस्त है। तो आप इन दोनों बुकों को लें। देखिए, हिंदी के लिए आप इन दोनों बुकों को लेंगे, ठीक है, इन दोनों बुकों को, गणित के लिए आप इनमें से किसी एक को ले लीजिए, और GS के लिए आप लूसेंट को भी लें और यूथ पब्लिकेशन की सामान्य अध्ययन को भी लें, अगर आप लेखपाल की वास्तविक तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें यहाँ पर ग्रामीण विकास की। किसकी? ग्रामीण विकास की। अब ग्रामीण विकास आपका कहाँ से कवर होगा, तो आप तैयारी करें तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ग्रामीण विकास में जो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो पार्टों से पूछे जाते हैं, एक आपके UP से और दूसरा आपके ग्रामीण विकास से। किससे? ग्रामीण विकास से। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, ग्रामीण विकास से। ठीक है, ग्रामीण विकास से। अब यूपी से लगभग 12 से 13 प्रश्न यूपी से पूछे जाते हैं और 12 से 13 प्रश्न आपके ग्रामीण विकास से पूछे जाते हैं। तो यूपी के लिए आप कौन सी बुक लें? तो यूपी के लिए आप परीक्षा वाणी की सबसे बेस्ट बुक है। कौन सी? परीक्षा वाणी की सबसे बेस्ट बुक है, आप उसको ले लीजिए।
80-90 रुपए की आती है यूपी स्पेशल के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रामीण विकास की जो आपको बुक लेनी है वो लेनी है आपको घटना चक्र की। जी दोस्तों, न्यू एडिशन में 2021 के एडिशन में आ चुकी है मार्केट में, लगभग 80-90 रुपए के बीच आपको मिल जाएगी। तो घटना चक्र की बुक बहुत ज़बरदस्त है। इन सभी बुक जो बुक है इन सभी के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखें कि जो घटना चक्र वाला जो ग्रामीण विकास है बहुत अच्छा है, ठीक है, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आप इसको ले लीजिए, साथ साथ यूपी जीके आपको लेना ही लेना है, क्योंकि 12-13 प्रश्न आपके वहाँ से पूछे जाते हैं। और यूपी जीके की क्लास हम ऑलरेडी इस चैनल पर चला रहे हैं जो आपके इसी एग्जाम को फोकस करके बनाई जा रही है, ठीक है। लगभग 5 से 8 क्लास कंप्लीट हो चुकी है अभी तक, तो आप उसकी प्लेलिस्ट बनी है यूपी जीके नाम से, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ जीके की क्लासें भी हम प्रैक्टिस सेटों को लेकर चल रहे हैं, हिंदी की क्लास अनिल फर के द्वारा लगातार चलाई जा रही है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट भी दिए जा रहे हैं, साथ ही साथ व्याख्या के साथ वो व्याकरण वाली क्लास भी दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपके व्याकरण जितने भी पार्ट आपके संधि समास अलंकार रस टोटा ये सारे टॉपिक वहाँ पर क्रम वाइज कराए जा रहे हैं, तो आप उनको भी यहाँ पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है उन सभी की, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया, ठीक है, तो ये चीज आपको खरीदने। उसके बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट बुक है वो आपको कौन सी लेनी है, जो सबसे उपयुक्त बुक है उस बुक का नाम है यहां पर, तो आप उसको याद रखेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो बुक आती है, ठीक है, चाहे आप किसी भी पब्लिकेशन की ले लें, चाहे आप घटना चक्र पब्लिकेशन की लें, चाहे किरण पब्लिकेशन की लें, चाहे पूजा पब्लिकेशन की लें, चाहे आप यूथ पब्लिकेशन की लें, ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा आप यूथ पब्लिकेशन की ले लीजिए, थोड़ी अच्छी भी बुक है और उसमें व्याख्या भी दी जाती है, थोड़ी बेटर दी जाती है, ठीक है। तो आप यूथ पब्लिकेशन के यहां से ले सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसमें आपके लेखपाल के, राजस्व लेखपाल के, चकबंदी लेखपाल के, ठीक है, लोअर पीसीएस के जितने भी यूपी ट्रिपल एससी इस आयोग के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जितनी भी वैकेंसी निकाली जाती हैं, चाहे वो वीडियो की हों, चाहे अमीन की हों, चाहे नलकूप विभाग की हों, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा लेखपाल में तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट बुक लिस्ट बताई गई है वो आपकी ये है, आप इसका अध्ययन कीजिए, एक भी प्रश्न आपका इस एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। हिंदी के लिए आप लूसेंट आदित्य को ले लीजिए, गणित के लिए आर एस अग्रवाल एस टी यादव में से ले लीजिए, जीके के लिए सामान्य ज्ञान के लिए लूसेंट और यूथ सामान्य अध्ययन की बुक ले लीजिए, ग्रामीण विकास के लिए घटना चक्र और यूपी स्पेशल जीके पर जाइए जो परीक्षा वाणी की होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है यूपी ट्रिपल एससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न रिपीट होते हैं। हाल ही में आरओ आरओ की परीक्षा हुई, उसमें कम से कम 12-14 प्रश्न आपके यूपी ट्रिपल एससी की इस बुक से पूछे गए हैं, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे और आपके एग्जाम में वहाँ से पुट ऑफ किए गए थे। तो दोस्तों ये तो थी आज की क्लास जो हमने यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल से संबंधित बनाई। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, साथ ही साथ लेखपाल भर्ती की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही और कोई भी अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आप उत्तर प्रदेश का दिन देना चाहते हैं उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के और वीडियो के साथ, थैंक यू, जय हिंद।